हाय गाइस, वेलकम बैक टू पुर्णश्री ज़ोरा। तो आप लोगों के लिए मैं एक प्यारी सी चीज़ लेके आई हूँ, जो कि मैंने वादा किया था। जो माता बड़ी का बड़ा सा पॉन्ड है, उस पे है बहुत सारे फिशेस एंड कछुए। तो उनकी ही कुछ क्लिप्स आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे। तो यहाँ पे बहुत सारी टॉर्टोइस है एंड बहुत सारी मछली, और ये कोई भी उठाता नहीं है। मतलब फिशिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, मछली पकड़ना यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये सारे टॉर्टोइस और मछलियों को श्रेयांश और श्रेयांश के पापा दे रहे थे बिस्किट्स। तो यहाँ पे बिस्किट्स भी बिकते हैं इन लोगों को सिर्फ खाने, मतलब खिलाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय करो। उसके बाद में फिर से एक स्पेशल मोमेंट लेके मिलूँगी। और दोस्तों, अभी आप लोग जो सीन देखोगे, ये बहुत दिल के करीब है। तो मैं बहुत दिनों के बाद, अबाउट 2.5 साल के बाद, या फिर नहीं, हाँ 2.5 साल के बाद मैं मेरे दोस्तों से मिली थी। वो भी मेरी यूनिवर्सिटी के सामने। ये मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स है, दोनों ही PhD कर रहे हैं। तो दोनों ने हमारे साथ मीट किया, क्योंकि हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वो दोनों ने हमें टाइम दिया है। तो यहाँ पे मंदाकिनी और अंकुरिता दोनों ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम लोग, मतलब, चाह के भी भुला नहीं सकते हैं। ऐसा रिश्ता है इन दोनों से मेरा। और यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरे साथ फ्रेंड हैं, मेरे साथ जो भी पढ़ते थे, वो लोग मेरे, मतलब, एक एक बच्चे जैसे है। मतलब बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं मुझे, और मैं मम्मी जैसे उनकी। तभी से हम लोग सब मिलके खाना खाते थे। और ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ अभी। इन बहुत दिनों के बाद इन लोगों से मैं मिली थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये फीलिंग्स आप लोग भी शायद समझ सकते हो। और मंदाकिनी ने श्रेयांश को बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा एक गिफ्ट दिया है। और श्रेयांश की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि तुम दोनों ने टाइम निकाल के हमारे साथ मीट किया है। मुझे पता है तुम दोनों अभी कितना बिजी हो, फिर भी टाइम निकाल के हम लोगों से मिले हो। वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। श्रेयांश के लिए ये बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, तुम दोनों का प्रेजेंस वहाँ पे। थैंक यू डियर, थैंक यू अंकू, थैंक यू मंदाकिनी, एंड आई लव यू सो मच। लोगों को मेरे दोस्तों से मिलके कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर हो सके तो सभी के सभी को एक दिन आप लोगों के सामने मैं लाऊंगी, और मैं बोलूंगी इनके बारे में। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो टाइम है वो वहीं पे फ्रीज हो जाए, और मैं वापस से उस दुनिया में चली जाऊँ जो यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने लीड किया था वहाँ पे। और बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था। तब तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तभी पढ़ाई के। तो अभी याद आता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मेरे सारे दोस्तों को, सारे हरकतों को, सब कुछ। और आई होप आप लोग के दिल में भी ऐसा ऐसा कुछ, मतलब, हो रहा है अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो होते ही इतने स्पेशल है। सब रिलेटिव से ज़्यादा, सारे करीबी रिश्तेदार, जैसे कि, मतलब, जो भी है, उन सबसे ज़्यादा वो लोग स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पे श्रेयांश भी बहुत खुश